अरे आप भैया तो घर पे नहीं है। अच्छा, वैसे मेरी बात हुई है राहुल से, वो कह रहा था मैं घर ही आ रहा हूँ। अच्छा तो आइए फिर। और बताइए क्या लेंगे आप, पानी? मैं तो कुछ भी नहीं लूंगा। तो क्या काम था वैसे आपको भैया से? मुझे तो तुम्हारे भैया से कुछ ही काम था, मुझे तो काम तुमसे था। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये कि मुझे पता था कि तुम्हारा भाई घर पे नहीं, वो बाहर गया हुआ, तभी तो मैं आया ताकि मैं तुमसे बात कर सकूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब आपको पता था कि भैया घर पे नहीं और आप जानबूझ के आए हो? मुझे पता था तुम्हारा भाई घर पे नहीं है और मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? बताता हूँ ना, देखो मेरी ना तुम्हारे ऊपर बहुत दिनों से नज़र थी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तो मैंने सोचा आज तो तुम्हारा भाई भी घर पे नहीं है और कोई होगा भी नहीं, तो क्यों ना आज मैं तुम्हारे घर पे जाके तुम्हें अपने दिल की बात कह दूँ। नहीं नहीं, ऑलरेडी मेरे पास बॉयफ्रेंड है तो मैं ऐसा नहीं कर सकती आपके पास। अच्छा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है? हाँ है। क्या खुश सकता है वो तुम्हें? नहीं, उसके पास टाइम ही नहीं पाता। तो वही तो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास टाइम नहीं है तुम्हें खुश करने के लिए, और एक मैं जो तुम्हारे पीछे पड़ा हाथ धो दूँ, तुम तो इतना पसंद करता है और तुम्हारे लिए सिर्फ टाइम ही टाइम है। देखिए आप जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आपको भैया से काम था तो वो आए उनसे बात कर लीजिएगा। अरे भैया का तो बहाना है, हमें तो तुम्हारे पास आना है। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुम्हें बहुत टाइम दे सकता हूँ, जितना तुम चाहो, जहाँ चाहो, जैसे चाहो, बस तुम्हारे पर डिपेंड करता है तुम क्या चाहते हो। तुम्हारे बॉयफ्रेंड है, रहने दो, कोई बात नहीं, सबके बॉयफ्रेंड होते हैं, लेकिन तुम चाहो तो मेरे साथ वो सब कर सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वैसे बात बताइए, अगर मैं चाहूँ तो आप रोज रोज में बता सकते हो? अरे क्यों नहीं, तुम्हारा पड़ोसी जो ठहरा तुम जब बोला आधी रात को बोलोगी तब भी आ जाऊँगा, क्योंकि जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना उससे ना कुछ नहीं होता है, मिलने भी जाती हूँ तो टाइम नहीं दे पाता मुझे। नहीं नहीं, मुझे बोल के देखना, टाइम टाइम जब बोलोगे तब आ जाऊंगा, बस तुम ये बगीचा किसी और को मत देना। ठीक है फिर, जैसे आपकी मर्जी, अब मुझे लगता है आप भी मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा लगता है? कब से? दादी एक दो बार देखा था मैंने आपको भैया के साथ। अरे कितना भूल रही थे तुम, ये तो अच्छा नहीं कर रहे हो, चलो छोड़ो कोई नहीं, होता रहता है ऐसा, तो जिस चीज़ के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर तुम तो समझ ही हो, तो क्या वो करें फिर स्टार्ट? सुनो सुनो, मैं सीधी दिखने में लगती हूँ पर तुम नहीं। हाँ तो मैं कौन सा सीधा हूँ? अच्छा वैसे भी मुझे ना बहुत दिन हो गए अपने बॉयफ्रेंड के साथ करे हुए, तो मज़ा नहीं देता, तुम दे सकते हो ऐसा मज़ा मुझे? क्यों नहीं, तभी तो आया हूँ मैं ताकि तुम्हें भी मजा दे सकूँ और खुद भी मजा। हाँ लगता है काफ़ी जोश है तुम मेरा से, और चलिए फिर इस जोश को थोड़ा होश में डुबो दें। क्यों नहीं, स्टार्ट। बात करें आज मेरे ऊपर